भोले बाबा की, भोले बाबा की भाई। गाड़ी पार्किंग में लगाने के बाद हम केदारनाथ के लिए निकल चुके हैं भाई। केदारनाथ बाबा की तरफ प्रस्थान करते हुए भाई युद्धवीर राम राम भाई जा रहा ना। अब ये दो सैनिक पीछे जमू रहा है सैनिक बेहतर सिर पे साथा बांध के हरियाणा वाला चल निकले बाबा के दर्शन के लिए। अपनी यात्रा स्टार्ट बाकी जाके कैब मिलेगी आगरा यहाँ पर पहुँच गए सोनपरियार की मार्केट में जहाँ पे केदारनाथ पर यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। ये देखिए यात्री रजिस्ट्रेशन काउंटर पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ये अपने साथ वाले सभी भाई खड़े हैं यहाँ पे आप लोगों को। ये सोन प्रयाग की मार्केट है यहाँ से घोड़ा खंडर यात्रियों को लेके जाते हैं। हम यहाँ से हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो हमें यहाँ से कैब लेनी पड़ेगी। प्रशासन यहाँ से कैब के थ्रू ही भेजता है, कोई पर्सनल गाड़ियाँ नहीं ले जा सकती सोन प्रयाग से आगे। या तो कैब से जाओ या फिर अपने हेलीकॉप्टर से जाओ, कैब से गौरीकुंड तक जा पाएंगे आप। जय बाबा भाई। अब हम पहुंच गए हैं अलकनंदा पुल पे जहाँ से गौरीकुंड के लिए जीप मिलेगी। यहाँ से जीप में बैठकर गौरीकुंड तक जाएंगे। देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है प्रकृति का। उन ऊंची ऊंची वादियों में बैठे हैं बाबा भोलेनाथ जिसके पास हमें पहुंचना है। अब हम पहुंच गए गौरीकुंड। ये नीचे की तरफ अलकनंदा गौरीकुंड में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। बाबा केदारनाथ यात्रा के बीच में वाटरफॉल का बहुत सुंदर नज़ारा ये देखिए। यात्री यहाँ पे सेल्फी ले रहे हैं। यहाँ पे धूप के दर्शन हो गया। गंदर भाई थोड़े थोड़े थके थके महसूस हो रहे हैं। घोड़ा 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 बड़े मजेदार यात्रा बड़े जोर से सूर्य देव ने भी दर्शन दे दिए यात्रा को और सौदे बनाने के लिए। प्रकृति का क्या खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। आगे का हम आप लोगों को बताते रहेंगे भैया। जय भोलेनाथ।